दोस्तों यदि आप स्मार्ट गैजेट के शौकीन हैं और आपको भी स्मार्ट वॉच पहनना अच्छा लगता है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी स्मार्ट वॉच खरीदना चाहोगे, क्योंकि इसके एडवांस फीचर आपका पल्स रेट, रनिंग स्पीड और बीपी जैसे कई चीजों को बता सकता है। और यदि आप रास्ते में कभी अचानक से बेहोश होते हो तो इसका एडवांस फीचर डायरेक्ट एम्बुलेंस को कॉल करके आपके लोकेशन को सेंड करेगा, जिससे आपका जान बच सकता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आखिर इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों आजकल लोग आम घड़ी की तुलना में स्मार्ट वॉच पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसका फैशनेबल लुक केवल टाइम ही नहीं बल्कि आपके फिटनेस को भी बताता है, जिससे आपका लाइफ बेहद आसान बन जाता है। तो चलिए इसे फैक्ट्री में बनते देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मोल्डिंग मशीन में प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स को डालकर इसके बॉडी को तैयार करके बाहर निकालते हैं। फिर मदरबोर्ड को बनाने के लिए ग्रीन पीसीबी शीट पर सारे एलिमेंट को असेंबल करके मदरबोर्ड तैयार करते हैं। उसके लिए ग्रीन पीसीबी शीट पर सोल्डिंग करके पावर आईसी को लगाते हैं। फिर कार्ड सॉकेट को लगाने के लिए सॉकेट को मशीन में डालकर मदरबोर्ड पर असेंबल करते हैं। अब इसके विजुअल इंस्पेक्शन करके कैमरा को लगाकर रैम को असेंबल करते हैं। अब सर्किट के ऊपर येलो टेप चिपकाकर पीसीबी में लगे सभी कंपोनेंट को सोल्डिंग किया जाता है। फिर मदरबोर्ड पर ब्लू पॉलिथीन लगाकर कंप्यूटर की मदद से विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। अब बारी आती है बैटरी को बनाने की, जिसके लिए कंटेनर में ब्लैक लिथियम के साथ अन्य केमिकल को डालकर अच्छे से मिक्स करते हैं, जिससे एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। और फिर इसी पेस्ट को पॉलीमर शीट पर लगाते हैं। और जब ये पेस्ट सूख जाते हैं तो इनके कुछ पार्ट को काट कर सैंपल टेस्टिंग किया जाता है, और सही रिजल्ट निकलने पर इन्हें रोलिंग मशीन से बंडल के रूप में तैयार कर लेते हैं। और अगले स्टेप में कॉपर शीट के बंडल पर भी ब्लैक लिथियम को लगाकर आगे लगे सेंसर मशीन की मदद से इसकी मोटाई को चेक करते हैं। फिर इन शीट को रेक्टेंगुलर शेप में कटिंग करके आगे लगे वर्करों द्वारा इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं। अब बारी आती है बैटरी असेंबलिंग की। इस असेंबलिंग प्रोसेस में लिथियम पॉलीमर शीट के ऊपर कॉपर के शीट को रखते हैं और ऐसी अल्टरनेट अरेंजिंग करते हुए इन दोनों का एक मोटा लेयर तैयार कर लेते हैं। अब इस इंटरनल बैटरी के ऊपर एल्युमिनियम शीट लगाया जाएगा। तो उसके लिए एल्युमिनियम शीट को पतले पीस में कटिंग करके बैटरी के इंटरनल हिस्से को डालकर पूरी तरह पैक कर देते हैं। और उसी दौरान बैटरी से निकले अनवांटेड शीट को कटिंग करके सर्किट प्लेट को लगाते हैं। और लास्ट में बैटरी के ऊपर येलो टेप लगाकर इसके पावर स्टोर करने की कैपेसिटी को चेक करते हैं। अब वॉच में लगे स्ट्रैप को बनाने के लिए मोल्डन रबर को स्ट्रैप के डाई में डालकर हीटर मशीन में भेजते हैं, जहां यह मशीन हीट और प्रेशर की मदद से स्ट्रैप को तैयार करता है। फिर इसे कूल करने के लिए डाई पर पानी छिड़क कर स्ट्रैप को बाहर निकालते हैं। अब इसके एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करके बकेट टैंक लगाकर रॉड से अटैच करते हैं। और लास्ट में बकेट लगाकर विजुअल इंस्पेक्शन करके वॉच स्ट्रैप को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। अब असेंबलिंग प्रोसेस में डिस्प्ले को दूसरे फैक्ट्री से मंगाकर क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं। फिर स्पीकर का भी क्वालिटी चेक करके साइज को चेक करते हैं। और लास्ट में प्लास्टिक बॉडी का साइज चेक करके एक खास तरह के मशीन पर रख कर ग्लू लगाते हैं। फिर वॉच के बैक केस को दूसरे मशीन में डालकर मैग्नेट को लगाते हैं। फिर फ्रेम को बैक केस के साथ जोड़कर स्पीकर को मदरबोर्ड से अटैच करते हैं। दोस्तों इसी दौरान माइक्रोफोन को लगाकर बैटरी को सोल्डिंग करते हैं। दोस्तों माइक्रोफोन आपके बात को दूसरे तक पहुंचाने में मदद करता है। फिर इन तैयार हुए सर्किट को वॉच में डालकर स्क्रू से फिक्स करते हैं और मदरबोर्ड से स्क्रीन को अटैच करके वॉच को तैयार कर लेते हैं। अब इसे चार्ज में लगाकर इसका चार्जिंग स्पीड टेस्ट किया जाता है। फिर इसके क्राउन को रोटेट करके इसमें चेंज होने वाले वॉलपेपर को चेक करते हैं। और फिर इसके फंक्शन का प्रॉपर वर्किंग देखने के लिए सभी एप्लीकेशन को ओपन करके चेक करते हैं। दोस्तों इस वॉच के पीछे लगे यही सेंसर आपके ब्लड प्रेशर, रनिंग स्पीड और भी सभी चीजों को डिटेक्ट करता है। फिर लास्ट में इसके बैक अपीयरेंस को चेक करके पॉलीथीन का लेमिनेशन करते हैं, जो वॉच में पानी जाने से रोकता है। अब वॉच के क्राउन को रोटेट करके इसकी स्मूथनेस को देखते हैं और एक मशीन में डालकर वाटरप्रूफ टेस्टिंग करते हैं। और लास्ट में घड़ी को मशीन से निकालकर स्ट्रैप को लगाते हैं, जिससे घड़ी बनकर तैयार हो जाता है। अब फाइनली इसके आउटर अपीयरेंस को चेक करते हैं। दोस्तों आपने देखा इस प्रोसेस को 2 से 3 बार किया जाता है,
क्योंकि कंपनी चाहती है घड़ी देखने के बाद कस्टमर का दिल गार्डन गार्डन हो जाए और लास्ट में इसे बॉक्सेस में पैक करके आपके मार्केट तक भेज दिया जाता है, जिससे आपका घड़ी पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें।